उदयपुर शहर के मध्य दिल्ली गेट चौराहा पर स्थित एसएमबी प्लाजा, जहां है 250 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट के ऑफिसेज, किराए पर उपलब्ध कॉमन फैसिलिटीज एवं लिफ्ट के साथ मात्र 35 रुपए स्क्वायर फीट में। निम्बाहड़ा से टेंट व्यवसायी सुरेश काबरा के सोने मकान से 5 लाख से अधिक रुपए नगद व 8 से 10 तोला सोने चांदी के जेवरात की चोरी के मामले का खुलासा करते हुए कोतवाली निम्बाहड़ा थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे चोरी किया गया माल, सोने चांदी की जेवरात व 5 लाख रुपए से अधिक नगद राशि बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी टेंट व्यवसायी सुरेश काबरा का विश्वसनीय ठेकेदार होकर साथ ही काम करता था। शातिराना अंदाज व फिल्मी स्टाइल में घर के सीसीटीवी कैमरों को शॉर्ट सर्किट से बंद कर हाथों में दस्ताने पहनकर चोरी की थी। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि कमधज नगर निम्बाहड़ा निवासी सुरेश चंद्र काबरा पुत्र राम किशन काबरा अपने परिवार के साथ 10 जुलाई से यात्रा पर गए हुए थे। लौटकर 5 अगस्त को घर पहुंचे तो कमरों में अलमारी के ताले टूटे पड़े थे और अलमारी में रखा सामान बिखरा हुआ था, जहां से 5 लाख रुपए से अधिक नगद, 8 से 10 तोला सोने के जेवरात चोरी हो जाने के मामले में दर्ज प्रकरण में अनुसंधान एएसआई सूरज कुमार के जिम्मे किया गया। मामले में अनुसंधान के दौरान एएसआई सूरज कुमार मय जाप्ता द्वारा आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सुरेश चंद्र काबरा के टेंट व्यवसाय में लगे संदिग्ध मजदूर लोगों व ठेकेदार से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल के रामनाथपुरा थाना हेमताबाद जिला उत्तर दिनाजपुर हाल कमधज नगर पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहड़ा निवासी 32 वर्षीय मोजम्मल हक पुत्र माइनत अली की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। एएसआई सूरज कुमार द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीके से गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी बार बार अपनी कही हुई बातें पलटता रहा। अंत में आरोपी मोजम्मल ने ही सुरेश चंद्र काबरा के मकान में नगदी व सोने चांदी के जेवरात की चोरी करना कबूल किया। आरोपी मोजम्मल की सूचना पर चोरी का संपूर्ण माल बरामद कर लिया गया है।